व्रतों को, और आज के दिन वीर शासन जयंती के दिन व्रतों को धारण करे तो फिर तो कहना ही क्या है, अद्भुत दिन माना जाता है। जिस कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे यहाँ पर जिसने अभी तक कोई व्रत नहीं किया, खाते 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 ये डिब्बे को भरते जा रहे हैं। अरे भाई, 7 दिन में 1 दिन तो वैसे दुकान की भी छुट्टी रखते हैं, फैक्ट्री भी बंद रखनी पड़ती है। आप लोग काम करके थक जाते हैं तो पेट को आराम कब दोगे? डॉक्टर्स भी कहते हैं कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो फास्ट होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो फास्ट चल रहा है खाने का। दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है, जब चाहे तब चलता है, मुफ्त का भी ज़्यादा चलता है। भाई भोजन मुफ्त का है, पेट तो तुम्हारा है ना, ख्याल करो इसका। तो आज भाव बना लीजिएगा, एक व्रत तो लेना है, छोटा सा ही लेना है, एकाशन करके ही लेना है। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हुआ ये कि उसने व्रतों को अंगीकार कर लिया, और जैसे ही व्रतों को अंगीकार किया परिणाम बदल गए। जो अभी तक के कर्म बंधन थे सारे खटाखट कर्मों के बंधन टूटने लगे। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणा क्षयम् उपैति शरीर भाजा। अहो आदिश्वर प्रभु, मानतुंग स्वामी कहते हैं ये जीवंत अनुभूति है। मानतुंग महाराज की कहते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करने से भवो भवो के बंधे हुए कर्म तड़ातड़ उसी वक्त टूट जाते हैं। ये मेरी जीवंत अनुभूति है, ये शिव खाली शब्द नहीं है प्रभु, ये सच्ची अनुभूति है। और हुआ भगवान की भक्ति करते रहे, इधर से बेड़ियां टूटती गई, धन्य। उसी प्रकार से उसकी भी जो कर्मों के बंधन थे वो तड़ातड़ टूट गए। और कहते हैं, जैनागम कहता है कि वह 5वें स्वर्ग में उत्तम देव हो गया। स्त्री पर्याच्छित करके अब क्या हो गया, वह उत्तम देव हो गया। वहां से आया वह जी तो वेद पारंगत ब्राह्मण हुआ। फिर इंद्र के माध्यम से समव शरण में जाकर मानस स्तंभ को देखकर वीर प्रभु के समव शरण में मान का स्तंभन हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए वह रत्न त्रय को धारण करके अब मोक्ष जाने वाले हैं। हाँ, गणधर स्वामी धन्य है। कहाँ से कहाँ जीव कहाँ भटक रहा था, और भटकते भटकते आखिर गुरु के दिव्य प्रवचन सुनकर के ही उसको ठिकाना मिला, बाकी कहीं कोई ठिकाना नहीं है, ये निश्चित समझो। जन जन का संपर्क करोगे तो भटकते ही रहोगे, और एक बार जिन देव का संपर्क करोगे तो भटकन से मुक्त हो जाओगे। बहुत अंतर है जन और जिन में, जानना चाहते हो जन और जिन में कितना अंतर है? एक संसार के पार है, एक संसार के पार है तो एक का संसार अपार है। जिन भगवान जो कि संसार के पार पहुंच गए, उस पार परले पार पहुंच गए, और ये जन 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 वो सब जिसका अपार संसार है। एक बात बताओ अंतर मन से, कि जब प्रभु की महिमा गाती हूँ वो अच्छा लगता है, या फिर तुम्हारी महिमा गाऊं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम करते हो? बोलो ना, सच बता दो। लेकिन अभी भी अंदर मन की खुरापाती चलती है। नहीं, वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कार्यकर्ता अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से अपना पूरा कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य क्या है? उनका सौभाग्य है। चाहे वो पार्श्वनाथ ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से सेवा भाव में लगे। और एक ही लक्ष्य है कि इस बार सारा इंदौर धर्म का रस चखे, बस, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। सबको धर्मामृत का पान करने का अवसर मिले, धन्य है। ये भाव भी आज ये भाव है कि जन जन को धर्म का रस पीने को मिले, कल वही व्यक्ति जिन बन जाएगा।
खाली मैं ही पीऊं, मेरा ही संकट मिटे, ऐसा क्यों? सबके संकट मिटे, सबकी विशुद्धि बढ़े, सबका आनंद, संसार का परिभ्रमण छूटे। जैसे गौतम स्वामी का छूट गया था, वैसे ही सबका, जन जन का परिभ्रमण छूटे। ये भावना आज के दिन आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष का कोई काम शुरू नहीं होता। वहां पर सब औंधे काम कर रहे थे, गुरु और शिष्य, जैसे गुरु और वैसे ही शिष्य। आपके यहाँ पर एक कहावत है, बुंदेलखंडी में कहते हैं कुछ, जैसे जाके नदियाँ नारे, वैसे वाके भर खा, जैसे जाके बाप मताई, वैसे वाके लड़का, ऐसा कुछ बोलते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही बोला है। जैसे नदियां नारे होते हैं, वैसे ही भरखे होते हैं, गड्ढे भी वैसे ही होते हैं उसके। और जैसे जिसके बाप मताई होते हैं, माता पिता होते हैं, वैसे ही उसके लड़के होते हैं। जैसे गुरु वैसे ही शिष्य होते हैं। तो उस वक्त मिथ्यात्व का घोर प्रचार प्रसार किया, और पता नहीं कितने जीव उस घने तमस में, घटा टोप अंधकार में भटक गए। लेकिन जब उनकी काल लब्धि आई, और वह स्वयं महावीर प्रभु तीर्थंकर हुए, और उनका जो शिष्य था कपिल, वह स्वयं उन्हीं के ही शिष्य बन गए, गौतम गणधर। इस प्रकार से गौतम स्वामी की और यह इन दोनों की जो जीवन की घटना है आज आप लोगों के बीच में रखी है, ये तो ऐसी ही चीज है जैसे कल के दिन गुरु मिले और आज ज्ञान मिला। जैसे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, किंतु संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी से। वैसे ही वीर प्रभु को केवल ज्ञान तो 65 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन शासन का प्रारंभ कब से हुआ? आज से। शासन तब चलेगा जब राजा कुछ संविधान बनाएगा, कानून बनाएगा, कुछ बोलेगा। तो ये धर्म के नेता प्रभु महावीर स्वामी ने आज से अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी भव्य जीवों को ज्ञान दिया। इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनवाणी के लिए पाइपलाइन का काम करने वाले संत हैं, जिनवाणी के लिए पाइपलाइन का काम करने वाले संत हैं, और संतवाणी के लिए पाइपलाइन का काम करने वाले ग्रंथ हैं। संतवाणी के लिए पाइपलाइन का काम करने वाले हमारे यहाँ पर ग्रंथ हैं, पर आप हमारे भाव देख रहे हैं ना, पर लेकिन हमारे यहाँ जितने संत और ग्रंथ हैं उतने ही संप्रदाय और पंथ हैं। फिर भी हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, संत है तो वह संसार का अंत करने वाला है, इसलिए उसे संत कहते हैं। मोक्ष मार्गी है, इसलिए हम सभी एक है, ये कहा जा सकता है। एक ने जब ये व्रत लिया और कहा, माता जी बहुत भावना है कि हम रत्नत्रय को धारण करें, कोई व्रत दीजिए। मैंने कहा सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा व्रत है, गौतम स्वामी द्वारा लिखा गया, आप इसको कर लीजिए, जरूर चमत्कार होगा। और जैसे ही उन्होंने व्रत शुरू किया, दो व्रत किए थे, तीसरा व्रत किया और उनकी दीक्षा तय हो गई, रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया। जब इतनी बड़ी निधि मिल सकती है तो छुटपुट समस्याएं तो वैसे ही सुलझ जाती हैं, इतने परिणामों में विशुद्धि होती है। तो आज के दिन इस व्रत को कौन अंगीकार करना चाहेंगे? 36 है, कोई तिथि डिसाइड नहीं है, जब भी चाहे कर सकते, आपका प्रिय रविवार है उस दिन भी कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले पुरुष वर्ग में हाथ खड़े करेंगे, सिर्फ 36 एकाशन, वाह बहुत अच्छा, अच्छे लंबे वाले हाथ खड़े करिए ना, बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ संकेत है यहाँ आज का पहला पड़ाव। और इस व्रत को पुरुषों ने ही ज्यादा किया है मैंने तो अभी तक देखा है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा है, फल मिलता है। 36 एकाशन करना है, परिषण में 10 करोगे इकट्ठे 10 हो जाएंगे तुम्हारे,
पर ध्यान रखना, हमारे जेनागम में कोई भी व्रतों में शाम को पानी नहीं पिया जाता। प्रथम उत्तम है उपवास करना। अगर नहीं है उपवास की क्षमता तो आप जल उपवास कर ले, मध्यम है। नहीं है उसकी भी क्षमता तो एकाशन कर ले। शाम को पानी पियेंगे दो आसन हो जाएगा, वो व्रत नहीं माना जाएगा। तो एक अच्छे से भरपेट खा सकते हैं आप लोग, 6 घड़ी तक खा सकते हैं, ये भी बता देती हूँ। मतलब 2 घंटा 24 मिनट तक आराम से एकाशन करो। हाँ बैठे रहो, कुछ कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, बैठ करके पानी पी सकते हो आराम से। जब अपने यहाँ पर गुरुजन जीवन भर तक एक टाइम भोजन करके जीवन में आनंद से रह सकते हैं, तो क्या आप 36 बार नहीं कर सकते हो? करोगे, अनंत शक्तिशाली हो तुम तो। कल हम आप लोगों के हाथ में ये पुस्तकें देने वाले हैं। जितने भी लोग व्रत लेंगे सभी लोग आइएगा और हम यहाँ से आपको व्रत दे देंगे कल। हाँ कल आपको यह पुस्तकें दे देंगे। विधि भी, विधि कुछ ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि कोई तिथियाँ भी नहीं है, इसलिए इजीली आप कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा व्रत किया है। गुस्से में आकर के कई बार भोजन छोड़ देते हो ना, हाँ हाँ, आपके जीवन में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको भोजन छोड़ना पड़े। जो गुस्से में भोजन करे छोड़ दे वो महाज्ञानी है, और व्रत करके भोजन छोड़े वो ज्ञानी है। बस यही कामना करती हूँ आप सभी के लिए कि हे प्रभु, हे महावीर स्वामी, इन सब निकट भव्य जीवों को अति शीघ्र ही मुक्ति का पथ देना स्वामी। जिस तरह से आपने गौतम स्वामी को पथ दिया, उसी तरह से इन सब भव्य जीवों को पथ दर्शाना। हाँ आप लोगों के लिए, मुझे पता आप लोग बहुत उत्सुक रहे, बहुत अच्छे हैं आप लोग। देखो इनको नहीं कहने पर कितनी उत्सुकता। हाँ, हाथ खड़े करिए आप लोग, बहुत अच्छा, काफ़ी लोग हैं। और जो वृद्ध लोग हैं वो भी, वो तो ठान ही लें, अब दो दो टाइम खा करके क्या करोगे, शरीर में पचता भी नहीं है। बेटर है कि आप लोग व्रत करो, और इतना श्रेष्ठतम व्रत। तो जिनने भी हाथ खड़े किए हैं, एक बार मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि जब हम कहेंगे तो आप खड़े होकर के कायसर कर लेना, ठीक है? बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु इन सबको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। संसार की ज्ञान के अंधकारों से हे वीर प्रभु चीर करके सारे 30 इस तमस को मुझे भी उस ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। जरूर मिलेगा वह मार्ग, वह मंजिल, विश्वास रखना, कदम दर कदम बढ़ते चले जाना। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में जिन्होंने हमें वह सच्चा पथ दर्शाया है, ऐसे गुरु के श्री चरणों में। गुरुवर विद्या सागर हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से अब ज्ञान किरण दे दो। Thank you.
राहों से अब ज्ञान किरण दे दो, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।